ये एक पाउंड बाजरी है, बाजरी मिलेट जो होता है, और उसे हमने इस तरह से बाउल में डाल दिया। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको इस तरह से भिगो के छोड़ देंगे। हल्की हल्की बस गीली हो जाएगी बाजरी, और इसको हम 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा घंटा छोड़ सकते हैं आराम से। ये देखिए बाजरा ये लगभग एक घंटा भीग गया, और ये देखिए पानी पूरा का पूरा इसने सोख लिया। इसे हम इस कपड़े पर इस तरह से फैला देंगे। यदि पानी बाय चांस थोड़ा बहुत ज़्यादा भी रह जाए ना, तो ये कपड़ा है ना, ये पानी को अच्छे से सोख लेगा। ये देखिए 10-15 मिनट में बाजरा एकदम से ड्राई हो गया। ये देखिए अब हम इसे चाहे तो मिक्सर का ग्राइंडर हो, चाहे फूड प्रोसेसर हो, दोनों में से कुछ भी हो, उसमें डाल के और थोड़ा सा इसे हम चलाएंगे। ये देखिए पूरे बाजरे का छिलका बिल्कुल अलग हो गया। अब हम इसे छान लेते हैं। ये देखिए सारा जो बाजरा है ना, इसका छिलका उतर गया है। ये देखिए ये वेस्ट निकल गया। और ये जो बाजरा है ना, इसको हम थोड़ी सी बड़ी चलनी से छान लेंगे, जिससे बारीक अलग हो जाएगा और मोटा अलग हो जाएगा। ये देखिए दो तरह का बाजरा हमारा तैयार हो गया। ये देखिए थोड़ा थोड़ा कटा हुआ है, दो पीस में हो गया, थोड़ा बारीक हो गया, और बिल्कुल साबुत है वो ये इसमें रह गया। हम इसे थोड़ा सा सूखा करके और फ्रीज करके रख देंगे। उसके बाद हमें कुछ भी बनाना हो तो इस बाजरे से हम बना सकते हैं। हाँ जी, हमने बाजरा अच्छे से तैयार कर लिया। मैंने आज आपको बाजरे को किस तरह से रेडी करके रखना है। आप इसे फ्रिज में जब रख देते हैं ना, मन करे तब आप इसकी खिचड़ी बनाइए, खीर बनाइए, दलिया बनाइए। बाजरे का दलिया भी बहुत हेल्दी होता है। बाजरा गर्मी हो या सर्दी हो, खाना जरूर चाहिए। आप इसकी नमकीन खिचड़ी बना लीजिए, दही के साथ खाइए, और इसकी ना बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज बनती है। तो जब हमारे पास तैयार होगा ना, तो बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो हम नई नई रेसिपी के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।